हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा तो देखिए फ्रेंड्स आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ मैंने देखिए यहाँ पे कान्हा जी को ले लिया है ऐसे हमें पहनानी है चोली और फिर गले पे हमने ये जो लगाया है डोरी इसको हम पीछे की तरफ खींच के बांध देंगे तो ये जो हमने डोरी लगाई है इसकी वजह से आप कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैंने देखिए कमर पे भी ये डोरी लगाई है इसको भी हम पीछे की तरफ खींच कर बांध देंगे तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस पहनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वॉल्ड साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये बैंगनी कलर का ऊन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने ये दस नंबर की क्रोशिया ली है आप दस और ग्यारह में से कोई भी क्रोशिया यूज कर सकते हैं इस तरीके से हम एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर हमें क्रोशिया डालना है फिर क्रोशिया हमें उनको लेकर लूप में से निकालेंगे और खींच के इसको कर लेंगे ये देखिए लॉक हो गया फिर क्रोशिया में उनको लेकर लुक में से निकालेंगे एक चेन बन गई क्रोशिया में उनको लेकर लुक में से निकालेंगे तो ये दो चेन बन गई इसी तरीके से हमें चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टोटल 36 यानी कि 36 सिक्स चेन बना के कंप्लीट कर ली है और अब हमें पहले सिंगल क्रोशिया से एक लाइन बनानी है तो दो चेन हम छोड़ेंगे एक चेन यहाँ क्रोशिया में फिर उसके बाद वाली चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है दो फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकाल लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसा निकालेंगे दो फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकाल लेंगे फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई है ऐसे ही अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है एक का हमें ध्यान रखना है हमने ये जो चेन बनाई है ना इसको हम थोड़ा सा ढीला ढीला बनाएंगे क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइट चेन बनाएंगे तो पहली लाइन बीनने में हमें थोड़ी सी चेन बनानी है, जिसे कि आप क्रोशिया स्मूथली चला सकते हैं और देखिए बीनने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है अब हम इसको पलट लेंगे और पलट पहले हमें दो चेन बनानी है ये एक और ये दो दो चेन हमने बनाई अब हमें क्रोशिया में एक बार उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और उनको फंसा कर निकालेंगे देखिए तीन फंदे हो गए हैं तो क्रोशिया में उनको लेकर हम दो फंदों से निकालेंगे दो फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया बन गई फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे तीन फंदे हुए क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालेंगे दो फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकालेंगे ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है हमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है सबसे आसान और सिंपल तरीका है कान्हा जी ये ड्रेस बनाने का अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो भी इजीली ये ड्रेस बनाकर आप कान्हा जी को पहना सकते हैं बहुत 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 ज्यादा आसान तरीका है और अगर आप स्टेप बाई स्टेप देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखे, पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया और अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था मैंने टोटल 36 यानी कि 36 सिक्स चेन्स बनाई थी तो अब हम काउंट कर लेंगे कि अभी कितनी टोटल डबल क्रोशिया हो रही है तो देखिये ये यहाँ से हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर टोटल थर्टी फोर यानी कि चौंतीस डबल क्रोशिया अब हो रही हैं क्योंकि दो चेन हमने यहाँ पे छोड़ के फिर बिना था अब हमें ऐसे देखिए दो चेन बनानी है और इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे फिर इसके आगे की पांच चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई ये दो ऐसे ही टोटल पांच बनाएंगे देखिए ये तीन चार और ये पांच तो शुरू में हमने जो दो चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे फिर उसके आगे की पांच चेन में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो टोटल छह डबल क्रोशिया किनारे पे हो गई है अब हमें छह चेन बनानी है एक दो तीन चार पांच और ये छह हम एकदम ढीली ढीली चेन बनाएंगे और बीच में से हमें काउंट करके छह चेन छोड़नी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स चेन्स छोड़कर सेवेंथ चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कान्हा जी की एक स्लीव बन गई है हमें इस बात का ध्यान रखना है हम ये जो चेन बनाएंगे वो एकदम ढीली ढीली बनाएंगे अब हमें बीच में भी डबल क्रोशिया बीन के कंप्लीट करनी है तो एक डबल क्रोशिया हमने देखिए बनाई है इसके आगे की नौ चेन में से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे जिससे कि टोटल दस डबल क्रोशिया सेंटर में हो जाएगी सेंटर में मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ जिससे कि कान्हा जी का जो पेट है और कमर है वो अच्छे से ढका रहे उन्हें बिल्कुल भी ठंड ना लगे तो इसीलिए मैं टोटल दस डबल क्रोशिया सेंटर में बना के कंप्लीट कर रही हूँ मैंने देखिए ऑलमोस्ट इसको बीन लिया है और अब हम काउंट करके देखेंगे कितना डबल क्रोशिया हुआ है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन नाइन डबल क्रोशिया हुआ है तो एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे जिससे कि ये सेंटर में टोटल दस डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा अब हमें फिर से सिक्स चेन बनानी है वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स आप देख सकते हैं मैंने कितनी ढीली ढीली चेन बनाई है नीचे से छह चेन हम छोड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स फिर हमें सेवेंथ जो चेन है इसमें से डबल क्रोशिया बना लेनी है तो यहाँ पे हमने फिर से एक डबल क्रोशिया बना ली अब इसके आगे पांच चेन बची है इसमें से भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल छह डबल क्रोशिया इधर किनारे पे भी हो जाएगी जैसे कि हमने इधर की तरफ टोटल छह डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट की थी वैसे हमें इधर भी बनाना है तो मैंने देखिए इधर किनारे की तरफ भी टोटल छह डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम दो चेन बनाएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है सभी लेंस की शुरुआत में पहले हमें दो चेन बनानी है फिर हम बिनना शुरू करेंगे अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है यहाँ पे मैंने पांच चेन बनाई थी तो इसमें से भी एक एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे हमें थोड़ा ढीला बिनना चाहिए जिससे कि ये जो ड्रेस हम बनाते हैं वो बहुत मुलायम होती है अगर आप बहुत ज्यादा टाइट बिनते हैं तो ड्रेस भी टाइट हो जाती है तो मैंने देखिए यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है अब हमने ये जो चेन बनाई है ना इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो हम चेन बनाएंगे वो ढीली ढीली बनाएंगे जिससे कि हमें बीनने में आसानी रहेगी देखिए यहाँ पे छ चेन थी तो छः डबल क्रोशिया भी बनेगी ये दूसरी डबल क्रोशिया मैंने बनाई है अब ये तीसरी चेन में से एक डबल क्रोशिया हो गई ये चौथी चेन में से भी एक डबल क्रोशिया हो गई फिर ये पांचवी चेन में से एक डबल क्रोशिया हो गई अब लास्ट में ये देखिए सिक्स चेन में से भी एक डबल क्रोशिया हमने पन्ना के कंप्लीट कर ली तो अब देख सकते हैं यहाँ पे स्लीव बनकर भी कान्हा जी के लिए तैयार है अब हमने यहाँ से यहाँ तक जो डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ ही साथ यहाँ पे जो हमने छे चेन बनाई है इसमें से भी एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स पहले यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए बीन के कम्पलीट कर लिया और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी के लिए स्लीव बनकर भी बिल्कुल तैयार है अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा घेर नहीं बनानी है थोड़ी घेर बनानी है तो हम पहले दो चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने दो चेन बनाई उसी में से हम एक डबल क्रोशिया भी बना लेंगे तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर इसके बाद वाली चेन में से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक और ये दो फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये मैंने एक ही चेन में से देखिए दो डबल क्रोशिया भी इनके कंप्लीट कर ली फिर इसके बाद वाली चेन में से एक बार और दूसरी चेन में से देखिए दो बार ये एक हमने बनाई अब इसी में से ये दूसरी भी बना लेंगे एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है अब आगे भी हमें ऐसे ही बीनते जाना है हम इसको फिर से पलट लेंगे और पलट कर पहले दो चेन बनाएंगे देखिए ये एक और ये दो फिर इसके बाद वाली चेन में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए ये एक और ये दो ऐसे ही एक चेन में एक बार और दूसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे फिर पलट कर आगे भी ऐसे ही बीनते जाएंगे आपको जितनी लंबी घेर बनानी है उसके हिसाब से आप उतनी लाइन्स बना सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टोटल चार लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है पहली लाइन मैंने आपको बीन कर दिखाई थी उसके बाद दूसरी लाइन बीन है तीसरी और ये चौथी टोटल चार लाइन मैंने घेर बनाते हुए बीन के कंप्लीट कर ली है अब लास्ट में हम इसको लॉक करके और जो एक्स्ट्रा ऊन है कट कर लेंगे तो हमें ऐसे इसको लॉक करना है फिर ढीला करके कट कर लेना है कट करने के बाद अब देखिए ये जो थोड़ा सा ऊन बचा हुआ है इसको हम यहीं पे फंसा देंगे जिससे कि हमने जो नॉट लगाई है उसके खुलने का डर भी नहीं होगा और ये दिखाई भी नहीं देगा देखिए ये इसी में गायब हो गया तो अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ से अब हमें बॉर्डर बनाना है तो वो मैं ऑरेंज कलर का ऊन यूज करके बनाऊंगी देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अब जहां से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और ये ऑरेंज कलर का जो ऊन है इसको निकाल लेंगे इसमें से फिर हमें नॉट लगाकर यहां पे बांध लेना है इसको नॉट लगा के बांधने के बाद अब हमें जहाँ से हमने इसको लॉक किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालना है और एक दो तीन और ये चार टोटल चार चेन बनानी है फिर एक दो चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे उनको फंसा कर निकाल लेंगे दो फंदे हुए तो ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे फिर देखिए एक दो तीन और ये चार चेन बनाएंगे एक दो चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालेंगे यहाँ से उनको फंसा कर निकाल लेंगे दो फंदे हुए तो इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे फिर से हमें चार चेन बनानी है तीन और ये चार नीचे से दो चेन छोड़नी है एक दो तीसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसा कर निकालना है दो फंदे हुए इस फंदे को इसमें से ऐसे निकाल लेना है इसी तरीके से चेन बना के लॉक करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे चेन बनाते हुए मैंने ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक करके और ये ऑरेंज कलर का ऊन भी कट कर लेंगे लॉक करने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब हमें स्लीव बनानी है कान्हा जी की जिसे कि हाथ भी ढका रहे और उन्हें ठंड ना लगे तो देखिए ये जो हमने पहले से स्लीव बनाई है यहाँ कॉर्नर से हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया और ऑरेंज कलर का जो ऊन है इसको हम इसमें से निकाल कर और नॉट लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे और दो चेन बनाएंगे अब जहां से हमने ये चेन बनाई उसी में से एक डबल क्रोशिया भी बना लेंगे फिर हमें इसके बाद वाली चेन में से भी दो बारी डबल क्रोशिया बनानी है ये एक और ये दो फिर इसके बाद वाली चेन में से भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए ये एक ऐसे ही हमें हर एक चेन में से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए चारों तरफ से बीन के कंप्लीट करना है तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां से यहां तक हर एक चेन में से दो दो डबल क्रोशिया बना ली है अब यहां पे देखिए ये एक डबल क्रोशिया है किनारे पे तो इसमें से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे ये एक ये दो और ये तीन अब हमें फिर से ऐसे पलटना है और यहाँ से फिर से देखिए चेन शुरू है तो इसमें से हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए बीन के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इधर की तरफ से भी यहां से यहां तक दो दो डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है और अब यहां पे भी एक डबल क्रोशिया है तो इसमें से हम तीन डबल क्रोशिया बना के और इसको कंप्लीट करेंगे डबल क्रोशिया में से हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है क्योंकि यहाँ पे चेन नहीं है तो ये दो हो गई हैं और एक डबल क्रोशिया हम इसमें से और बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो शुरू में हमने तीन चेन जो बनाई थी एक दो तीन तो पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे अब देखिए क्रोशिया में दो फंदे हैं तो इस वाले फंदे को इसमें से निकालकर स्टिच लगाकर ज्वाइंट करेंगे फिर हम इसको ढीला करके लॉक कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इधर की तरफ से हमने ये स्लीव बनाकर कंप्लीट कर लिया सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ से भी ये स्लीव बीन लेनी है दोनों स्लीव बनाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है और सिंपल सी हमें चेन बनानी है चेन बनाते हुए हम एक लंबी सी डोरी बना के तैयार कर लेंगे मैं हमेशा थोड़ी सी बड़ी डोरी बनाती हूँ जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहना के बांधने में आसानी रहती है आप अपने हिसाब से डोरी की लंबाई रख सकते हैं और हम टोटल दो डोरी बनाएंगे एक ऊपर की तरफ डालने के लिए और एक कमर पे डालने के लिए तो देखिए फ्रेंड्स मैंने टोटल दो डोरी बीन के कंप्लीट कर ली है अब एक डोरी हम यहाँ ऊपर की तरफ से डालेंगे एक डबल क्रोशिया की गैपिंग हमें लेनी है और उसमें से डोरी हम निकालेंगे फिर तीन डबल क्रोशिया छोड़कर जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे फिर से हमें तीन डबल क्रोशिया छोड़नी है और जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी निकाल लेंगे इसी तरीके से तीन तीन डबल क्रोशिया की गैपिंग देते हुए हम यहाँ ऊपर की तरफ से डोरी डालेंगे साथ ही साथ देखिए जहां से हमने ये घेर बनानी शुरू की है वहां से भी हम डोरी डाल लेंगे डोरी डालने के बाद कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है साथ ही साथ मैंने ये कैप भी बना लिया है कैप बनाना मैंने मेरी पिछली वीडियोस में बताया है तो आप वहां से देख सकते हैं अब हमारे जी के लिए बहुत ही सुंदर सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है